आज की जो अपनी राइड है वो कुछ नियर अबाउट 200 किलोमीटर की है। तो भाई ये मिली अपने गोपी पाजी से, तो इनका जो मेमोरी कार्ड है वो करप्ट हो चुका है। तो भाई यहाँ पे हम रॉन्ग आ चुके थे, मुझे लगा शायद फ्लाई ओवर के नीचे से होना पड़ेगा, मुझे पता नहीं था। तब ऐसा व्यू देखने को मिलता है वहाँ पे, रोड के ऊपर से झरना बह रहा होता है। तो हम लोग ना पहले आ चुके हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है वो आगे रास्ता है नीचे जाने का, वहाँ से देखते हैं, नीचे चलते हैं। थाना डैम वो। हाँ जी जी, सत श्री अकाल सारेयां नूं, आई होप सारे ठीक होंगे और लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो अपनी राइड है वो कुछ नियर अबाउट 200 किलोमीटर की है। वो आज जा रहे हैं हम थाना डैम, पहले हमने गुरदासपुर जाना है, उससे फिर आगे होके जाएंगे हम, पहले वहाँ पे रुकना है। वहाँ हमें कुछ 1 घंटे का रास्ता है, 54 किलोमीटर दिखा रहा है। आज मीटर मैंने दोनों जीरो कर दिया है, दोनों ट्रिप पे और भी, क्योंकि मुझे ना मैं भूल जाता हूँ इसको जीरो करना। तो मैंने आज जब बाइक को कोल्ड स्टार्ट किया था तो तब भी मीटर को जीरो कर दी। तो हमने गोपी पाजी की वेट करनी है, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ कि वो पीछे आ जाएंगे। वहाँ आगे रुक के कॉल करता हूँ मैं उनको। वो आगे निकल चुके हैं। ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं बारिश की वजह से। 8 बजे निकलने वाले थे, सुबह के टाइम वो बारिश थी, इसलिए हम लेट हो चुके हैं। मेरे ख्याल से 10:30 होने वाले हैं। तो भाई ये मिली अपने गोपी पाजी से, तो इनका जो मेमोरी कार्ड है वो करप्ट हो चुका है, तो अभी हम आगे चल के न्यू मेमोरी कार्ड लेंगे। वही आगे चल के ये वाली रोड भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बारिश की वजह से खड्डों में पानी भी बहुत ज़्यादा भरा होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं इस साइड ज़्यादा बारिश हुई है। मैंने पिछले व्लॉग्स बनाए वो अपलोड नहीं करे हुए, क्योंकि मेरे मदर एक्सपायर हो चुके थे मई में, तो उनके बाद मेरा मन नहीं करा कहीं भी जाने का। तो मैं वैसे 1-2 बार राइड पे गया हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आता था। फिर जे पाजी ने बाइक ली नहीं, उन्होंने कहा कि चलो फिर से शुरू करते हैं। तो लगभग 5 मंथ के बाद मैंने शुरू करा है। लास्ट व्लॉग था जो, वो मैंने मिनी गोवा का डाला था, उसके बाद कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो अब कोशिश करूँगा कि ये वाला व्लॉग जो है मैं एडिट करके अपलोड करूँ, क्योंकि वो व्लॉग एडिट भी नहीं करे हुए मैंने, वैसे के वैसे ही पड़े हैं। आगे यार बहुत ज़्यादा चक्कड़ हुआ है बारिश की वजह से, बाइक आज फिर गंदी हो जाएगी अपनी बाइक है जो। ये चले जी थाना डैम। आगे तो लगभग हमें रोड जो है ना वो अब अच्छी मिलने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें पहुंचने में। 40 किलोमीटर दिखा रहा है, 48 मिनट लगेंगे, लेकिन देखते हैं हम कितने टाइम में पहुंचते हैं, अगर ट्रैफिक वगैरह में ना फंसेंगे तो। अभी ना मौसम ठंडा सा हो चुका है। अभी ये रास्ता जो है ना, मतलब ये जो रोड है वो मस्त है, बट है मतलब इतनी बड़ी नहीं है। तो देखो यार, डेली तो नहीं व्लॉग बना सकता अभी मैं, इसलिए कोशिश करूँगा कि चलो जब भी बनाऊँ, कहीं जाऊँ तो व्लॉग बना के अपलोड करूँ। लेकिन आपको पता है डेली व्लॉग मैं बनाता नहीं हूँ, कहीं राइड पे जाता हूँ तो फिर व्लॉग बनाता हूँ। तो यहाँ से हमने लेना है इसका मेमोरी कार्ड लेना है, तो यहाँ से लेते हैं हम मेमोरी कार्ड, देखते हैं कोई शॉप यहाँ पे ट्रैफिक किस लिए लगी हुई है, जहाँ लगा हुआ है कुछ भी है जो भी है। चलो भाई हम अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। मेमोरी कार्ड हमने वहाँ से ले लिया है, फ़ोन में डाल दिया, क्योंकि पहला जो था वो ना करप्ट हो चुका है, फ़ोन की इतनी ज़्यादा मेमोरी नहीं थी। मेरा नहीं, वो पाजी का जो मेमोरी कार्ड था वो मतलब करप्ट हो चुका था। आगे जा रही है गुजरों की भैंसें, जिसकी वजह से। तो ये रोड तो अच्छी है, यही है चक्कर है कि रोड जो है ना ज़्यादा चौड़ी नहीं है ये वाली,
जिसकी वजह से थोड़ा ओवरटेक करने में दिक्कत रहती है। अगर यार बाइक का माइलेज चेक करना हो ना तो ऐसी रोड पे माइलेज चेक करो, यहाँ पे एक भी खड्डा ना हो, एकदम बाइक जो है ना सही चले। 15 किलोमीटर रह चुका है। ये गुरदासपुर का नया बस स्टैंड है, काफ़ी अच्छा बना है वैसे तो, बाबा बंदा सिंह बहादुर। तो अब यहाँ से हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो है थाना डैम। वो यहाँ से कुछ 63 किलोमीटर दिखा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे हम रॉन्ग आ चुके थे, मुझे लगा शायद फ्लाई ओवर के नीचे से होना पड़ेगा, मुझे पता नहीं था। अब ऊपर से होके फिर टर्न लेंगे, फ्लाई ओवर का ही टर्न था तो मुझे लगा शायद ना फ्लाई ओवर के नीचे से निकलना पड़ेगा। अब ये क्या चल रहा है यहाँ पे, पता नहीं ये रोड पे क्या है, वाइड वाइड डाल रहे हैं ये देखो। कभी कभी हो जाती है गलतफहमी ऐसी। टाइम जो है वो 12:58 हो चुके हैं, लगभग हम 2 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। मुझे ना पाजी को वेट करनी पड़ रही है, वो पीछे रह गया फिर काफ़ी ज़्यादा, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ देख क्या वो आ रहा है पीछे, वो ना बाइक न्यू है तो अभी जैसे आपको पता है हर कंपनी रनिंग पीरियड देती है 2000 किलोमीटर का, तो इसलिए वो भी 60 से ऊपर नहीं चला रहा, तो मैं भी 70 तक ही चला रहा हूँ उनकी वजह से, नहीं तो आपको पता है हम 100 तक मजे से आराम से लेके जाते थे। तो ये जो एरिया ना यहाँ के, इनका नाम है चकाला बक्स। कैसा नाम है यार, मैंने पहली बार सुना। तो यार व्लॉगिंग करने का ना एक फायदा ये भी है कि बहुत सी चीजें आप एक्सप्लोर करते हो जिन्हें आप कभी देखा नहीं होता या कभी वहाँ गए नहीं होते। जैसे मैं चलो पंजाब का तो हूँ, पूरा पंजाब नहीं घूमा हूँ, जब से मैं व्लॉगिंग में पढ़ा हूँ तो मैंने बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करी है, बहुत से एरिया एक्सप्लोर करे हैं। जैसे अमृतसर मैंने पूरा घूमा ही नहीं था, तो व्लॉगिंग के चक्कर में मैंने बहुत सारी अमृतसर में ऐसी जगह देखी जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं था। तो उसके बाद मैं जलंधर गया, तो जलंधर में भी काफी ऐसी जगह थी लेकिन वहाँ मुझसे इतना एक्सप्लोर हो नहीं पाया क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो ये वाले जो एरिया ना पंजाब के वो मैंने घूमे नहीं है, मैं कभी आया तक नहीं हूँ इस साइड। अब आ रहा हूँ, अब देख रहा हूँ क्या यार पंजाब में ऐसी सड़कें हैं। अबे यार बाइक पे क्रूज लगता ना, क्रूज बटन होता तो मैं आराम से हैंडल छोड़ के चलाता बाइक को, आराम से बैठता। लेंगे ऐसी बाइक भी आगे चल के जिसे हम आराम से, जिसे भी आराम से चला रहे हैं लेकिन और ज़्यादा आराम से चला सकें हम। भाई 100 किलोमीटर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा जी ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी, किन्ना इतना है 2 किलोमीटर, ठीक है जी, ओके धन्यवाद जी। यार रोड ऐसी है तो गूगल मैप कहीं ना कहीं ऐसे मतलब उलझा देगा, इसलिए मैंने सोचा चलो पूछ लेते हैं, मैंने वहाँ से पूछा रुक के। अबे यार ये वाला रोड तो काफ़ी ख़राब है, रोड तो ठीक ठाक है, कहीं कहीं ना पैचेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं। भाई कहाँ रह गया अपना थाना डैम। भाई वैसे ना रोड बहुत खतरनाक वाली है यहाँ पे, मुझे लगता है इस रोड पे दिन दिहाड़े ही लूट हो जाती होगी। देखो दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। तो जब मिनी गोवा गए थे तो तब भी ऐसी रोड थी, तो वहाँ पर भी ऐसे ही रोड थी, कोई नहीं दिखता था दूर दूर तक। 112 किलोमीटर चल के आ गए हम। देखो यार कैसी रोड है, दोनों साइड पेड़ ही पेड़ हैं। साउथ की फिल्में देखते हैं वहाँ पे ऐसे रोड होते हैं। अबे ये देखो कैसे पानी जो है रोड के ऊपर से निकल रहा है, मतलब हम डैम के आसपास पहुंच चुके हैं। ऐसे इधर से कहीं पानी निकल रहा है, वही डैम से निकल रहा होगा। तो यहाँ पे मधुमक्खियाँ रखी हुई है, अभी भी 1.7 किलोमीटर दिखा रहा है। ये ऐसे लग रहा है जैसे हम हिमाचल के एरिया में आ चुके हैं, लेकिन है ये पंजाब में थाना डैम PWD। लगभग हम पहुंच ही चुके हैं थाना डैम के पास। वैसे ऐसी रोड पे मुझे अकेले आना था व्लॉग बनाने के लिए, तो चलो अब पाजी अपने साथ हैं, तो ऐसी बात नहीं यार, थोड़ा डर जरूर लगता है ऐसी रोड पे जब आप अकेले होते हो। ये देखो मज़ा, क्या सीन है देख रहे हो, रोड में से पानी आ रहा है।
मतलब जब मैंने व्लॉग्स देखे, जब हम लद्दाख की साइड जाते हैं ना, तब ऐसा व्यू देखने को मिलता है वहाँ पे, रोड के ऊपर से झरना बह रहा होता है। तो देख लो पंजाब वालों, पंजाब में भी ऐसी जगह है घूमने के लिए। मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ इस माहौल के, इस लोकेशन के। देखो क्या सीन है यार, ये देखो रोड के बीच में से, मतलब पत्थरों के बीच में से रोड निकल रही है। क्या नजारा है ना यहाँ का। तो मैं आगे इसलिए आया था, आपको वाली जगह तक दिखानी थी। ये वाली रोड के बीच, पत्थरों के बीच में से रोड जो निकल रहा है, तो ये लगी अपनी दोनों बाइक्स, ये पल्सर N160 और ये अपना मेटियोर 350। और ये यहाँ की लोकेशन, ये देखो है ना मस्त जगह। और यहाँ पे ये कुछ प्राइस लिस्ट लिखी हुई है इन्होंने, यो मोटर बोट है वो 250 रुपया है 10 मिनट प्रति 10 मिनट के, और जो फन बोट है वो 200 रुपया, और प्री वेडिंग शूट का भी है यहाँ पे वो 1500+ है, और शिकारा किश्ती में अगर आप घूमना चाहते हो तो उसका 10 मिनट है, प्रति 10 मिनट 300 रुपया। तो यहाँ नीचे का सीन देखो यार, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से हम होके आए हैं, ये वो नीचे रोड आ रही है ना वहाँ से। हाँ जी, तो गाइज हम यहाँ पे थाना डैम पे पहुँच चुके हैं, तो अभी यहाँ पे इतना भीड़ नहीं है, कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना इवनिंग के टाइम लोग आते हैं, अभी धूप है। तो टाइम कितना हुआ है, कितना है, 2:15, अभी 2:15 है, तो लगभग मुझे लगता है कि 4 बजे के बाद ही लोग आते होंगे यहाँ पे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे डैम दिखा देता हूँ। असी आ गए हैं पहला, तो ये देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है, देख लो पंजाब वालों, पंजाब में भी ऐसी जगह है घूमने के लिए। तो हम लोग ना पहले आ चुके हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है वो आगे रास्ता है नीचे जाने का, वहाँ से देखते हैं, नीचे चलते हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये देखो नीचे जाने के लिए, तो यहाँ से हम नीचे चलते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पे ना सीमेंट का बना हुआ था, तो पता नहीं कैसे लोगों ने तोड़ दिया, यहाँ टूट चुका है, एंकर लगा हुआ था, तो कोई उतरता है तो कई बार चढ़ने में मुश्किल रहती है कहीं को, तो वो इसको पकड़ के ऊपर आ सकते थे, तो लेकिन ये टूट चुका है, शायद सही लगा नहीं होगा इसलिए टूट चुका है, तो या फिर किसी ने जोर से धक्का वगैरह लगाया होगा इसलिए टूट चुका है। तो ये देखो, को नीचे से मैं दिखाता हूँ, तो लोग यार हर जगह पे गंद बहुत फैलाते हैं,
ये देखो यहाँ पे प्लेस वगैरह खाएं, कुरकुरे खाएं, पता नहीं क्या क्या खाया है। तो वो बोतल्स वगैरह यहाँ पे रखी हुई है। वो होटल जो मैं कह रहा हूँ वो ऊपर दिख रहा है ना आपको, गाड़ियाँ लगी हैं, मतलब लोग वहाँ पे रुके हुए हैं, रूम्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सच में मतलब मौसम भी चेंज हो चुका है, ठंडा ठंडा सा हवा यहाँ पे ठंडी लग रही है, धूप होने की वजह से भी यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही। तो ये देखो यार, इधर लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। तो अभी हम वहाँ कहीं बाइक दिखा पाएगा होंगे यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ से बाइक आ रही है, वैसे यहाँ पे लड़के थे तो हम उनसे पूछ रहे थे तो वो आगे बता रहे थे कि आगे ना ऑफ रोडिंग के लिए है जगह। तो अभी ना बारिश हुई है यार, बाइक हमारी ना एकदम गंदी हो जाएगी यार, सारी की सारी ये सीन हो जाएगा। और जी हाँ आई भाजी जरूर जी, हाँ जी हाँ जी ਸਾਡੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਚੈਨਲ ਨਾ ਪਾਸੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਮਝੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਨਾ ਪਾਸੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਲੱਗੋ ਜੀ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮਾੜੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਉਧਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਗਾਈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ तो बोल रहे थे कि बैग्स के साथ फोटो खींचनी है। चैनल निकला है कि नहीं, नेट ही नहीं चलन दिया थे, वो फोटो खींच लो नहीं तो वो ठीक है। हाँ जी कर दो बस, ओके थैंक यू भाजी, हम चाड़ दोगे वीडियो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाजी, ओके थैंक यू भाजी, ओके सर, ओके भाजी, ओके जी। हाँ तो भाई ये नेचर वाइज बहुत ही अच्छे बंदे थे जो इधर मिले, तो इन्होंने कहा कि बाइक्स के साथ फ़ोटोज खींचनी है, तो हमने कहा खींच लो यार, फिर क्या है, पहले यहाँ पे मस्ती कर रहे थे ये भी। तो देखो यार, अगर आप एटीट्यूड दिखाते हो ना तो उससे गाड़ी नहीं चलती। नहीं नहीं बस भाजी इन ला गए नाल ही सारे। ओ बहुत बड़ी खाई है यार, ये देखो पहाड़ देखो कितना ऊंचा है। आगे से होके फिर हम वापस आएंगे। अब पता नहीं ये वाली रोड कहाँ पे निकलती है, हमने मैप भी नहीं लगाया। एरिया तो अच्छा है घूमने के लिए, मज़ा आ रहा है, धूप लगी है फिर भी गर्मी महसूस नहीं हो रही। ये देखो यहाँ पे गारे है शायद, लाइट वगैरह आती होगी यहाँ पे लगता है। हाँ है तो सही, अगर काम नहीं आती होगी ज़्यादा नहीं आती होगी। इस साइड पे हाँ लगता है ये विलेज है कोई, अब मैप नहीं लगाया नहीं तो पता चल जाता कौन सा विलेज है। लोगों के घर है इस साइड। ये देखो यहाँ पे रेती रहते पहाड़ देखो।
हाँ जी, तो गाइस अब यहाँ पे हम रुके हैं। मैंने सोचा चलो यहाँ पे रुक के चाय पीते हैं यहाँ पे, क्योंकि छाँव भी है पहाड़ की और मौसम भी ठंडा है। और इस साइड यहाँ पे देखो पानी बह रहा है नाला। तो मैंने सोचा है चलो यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं। ये देखो पहाड़ इस साइड। और यहाँ पे वैसे इतना पानी नहीं था क्योंकि रात को बारिश हुई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे पानी है। तो ये लगी अपनी दोनों बाइक्स यहाँ पे और यहाँ पे बैठ कर पियेंगे चाय। तो भाई अब चलते हैं वापसी। तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, देखते हैं कहाँ पे जाके नेटवर्क आता है, वहाँ पे हम मैप लगा लेंगे। तो टाइम जो है वो 3:30 हो चुके हैं। तो यहाँ पे भाई यही इशू है आपको, नेटवर्क का इशू जो फेस करना पड़ेगा, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। हाँ प्रभ द डेली ब्लॉग, हाँ द डेली दा आहो भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो कौन है रुक। हाँ चुप, बिल्कुल चुप। केड़ा मोटरसाइकिल किने सी सीनियर ने दा 350 दा नट दा पूरा के किधर नु जाने ने की मालवी साहब दा खलोया दा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। बंद कर की प्लीज। ये अच्छा अपना दसूही वाल तो इस ब्लॉग को यही पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट राइड पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।